जो हमारा बेबी आइजन इसके कपड़े लेने आए हुए, तो वैसे ही सिलेक्ट करें कीके के लिए ना कि इसको क्या पहनाना है। मामू कहते बॉस बेबी थीम रखनी है, अब इसके वर्क का सूट हम कहाँ से लेंगे, इतना सा तो है ही है। उसको तुम छोड़े पीछे। वाह तुम छोड़ के आई हो उसे। एक मैन्युफैक्चरर से जहाँ पे मैंने सैंपल्स बनने दिए हुए थे उसका मुझे ऑर्डर आ गया है। बॉयज एंड गर्ल्स द बेस्ट शर्ट सो फार द ब्लैक वन, ये मेरी फेवरेट है, ये तो विनर है ये। भाई बॉयज एंड गर्ल्स क्या चाल है, दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। बॉयज एंड गर्ल्स आप कह रहे होंगे क्या मैं खोता रेडी तो नहीं लगा ली अमेरिका के अंदर, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। ये मैं ट्रक के ऊपर बैठा हूँ, एज यू कैन सी, और एक फोम बोर्ड है जो मैं लेके जा रहा हूँ अभी घर, क्योंकि सीन ये है आइजन के अकीके की प्लानिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़े से घर के लिए हमें कुछ डेकोरेशन चाहिए थी। अब ये फिजा ने और मामू की वाइफ ने, उन्होंने पता नहीं मंगवाया मेरे से, और उन्होंने कहा था गाड़ी में जगह नहीं तो ट्रक पे लाना पड़ेगा। आई थिंक कोई डेकोरेशन वगैरह का उन्होंने काम करना है इस फोम बोर्ड से ना, बड़ा पतला सा फोम बोर्ड है, हमने होम डिपो से लिया था वो पीछे ना, ये देखो होम डिपो से। ये मुझे पीछे बैठना पड़ रहा है क्योंकि ये उड़ जाएगा, बहुत लाइट है ये। लेकिन ये व्लॉग मैं हफ्ता पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मेहमान वगैरह काफी आने हैं, तो हम अभी से प्रेपरेशन सारी कर रहे हैं, जो घर सजाना होगा, जो बकरे जाके कुर्बानी वगैरह करनी है वो सारा मैं आपको प्रोसेस में दिखाता रहूंगा, डोंट वरी अबाउट इट इंशाल्लाह। ये अभी बहुत हवा की आवाज आ रही होगी, मैं आप लोगों से बाद में बात करता हूँ, मेरा फोन भी उड़ जाएगा। Later that same evening. तो हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये कि अभी हम आए हुए टारगेट पे शॉपिंग करने, बेसिकली शॉपिंग से ज्यादा हम ना ये जो हमारा बेबी आइजन इसके कपड़े लेने आए हुए, तो वैसे ही सिलेक्ट करें कीके के लिए ना कि इसको क्या पहनाना है। मामू कहते बॉस बेबी थीम रखनी है, अब इसके वर्क का सूट हम कहाँ से लेंगे, इतना सा तो है ही है। नहीं है लेकिन वो अब बॉस बेबी नहीं हम बना पाएंगे ना इसे कोई, लेकिन देख रहे हैं। वैसे फिर हमने इसकी शॉपिंग भी करनी थी, थोड़ा बड़ा हो गया ये, हमारे पास कपड़े तो बहुत है लेकिन अब दिल बड़ा करता है। अब ये देखो मैं कब से लेके हाथ में घूम रहा हूँ, इतना अच्छा लग रहा है ये, चेक कर रहे हैं मैं इधर उधर क्या क्या पड़ा हुआ है। एक दो मुझे इसके लिए काफी पसंद नहीं है चीजें जो मैंने ली है, मैं चाह रहा हूँ वो फार्मर वाली लुक वाला एक मिल जाए। हाँ ये देखो फिलहाल हमने लिए हैं, ये दो लिए हैं, एक ये लिए और एक बोला देखो घोड़े वाला, ये देखो ना एक घोड़े वाला कितना फिट है, ये देखो क्यूटी पर टूटी, ये अच्छा है यार, ऐसा कोई नहीं मिल रहा इस तरह का। हमेशा लड़कियों का सेक्शन इतना प्यारा होता है ना। सही बात है, अफिजा उसकी बेटी भी हो जाए सही है। अल्लाह के वास्ते हमें माफ कर दें। अभी नहीं वैसे वाकई यार पहले मैं भी कह रहा था मैंने बच्चों की आर्मी लगा देनी, अभी एक से ही तबाहियां मच गई हैं, लेकिन कोई नहीं यार ऐसे होता है। फिजा ये देखो विनिक द पू, हमें तो ये बड़ा पसंद आया, देखो भालू बना दे से पूरा, लेकिन ये बहुत मोटा है, सर्दियों में लेंगे इसके लिए। यार वैसे देखे बच्चों से लेके बड़ों का विंटर क्लोथ्स की बात ही अलग होती है, जैकेटों से आप अपने आपको लेयर कर लेते ना सारा। अभी सो फार हमने क्या कीके की तैयारी की है फिजा, बोर्ड के अलावा कुछ भी नहीं लिया, एक वो बोर्ड लाए बस, सुबह इनविटेशन बनानी है, इनविटेशन भेजना शुरू कर दिए कुछ लोगों को, कुछ लोगों इनविटेशन भेजे हैं हकीके के ना हमने, तो काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम आएंगे इंशाल्लाह। तो बकरे बकरे भी हमने लेने हैं, तो वो भी पकड़ने हैं, म्यूजिक पार्टी प्रॉपर। हमारा एक बॉय है मामू के ऑफिस में ही करता काम, पूरा म्यूजिक शूजिक बजा के गाने शाने बजाएंगे, फुल एंजॉय करेंगे पार्टी ना। वैसे वाकई लड़कियों का ज्यादा सामान होता है, देखो ना उनको पता होता है कि बच्चियां ज्यादा चीजें खरीदती हैं, तो उनको पहले से ही रेडी कर रहे होते हैं। हाँ लड़कों का कुछ नहीं होता, लड़कों का फैशन छोटा सा सेक्शन पीछे देख लो, बचपन से खुडे लाइन लगाया था लड़कों को, ऐसा ही है। ओ ये अच्छा है यार, ये बहुत अच्छा है, ओ ये देखो ये वो मैकेनिक वाला, उसको तुम छोड़े पीछे। वाह तुम छोड़ के आई हो उसे, यहाँ पे नहीं उसे छोड़ दूँ, पता है यहाँ पे ले जाते हैं लोग। एक दफा मैं देख रहा वीडियो ना, एक बंदा ना उसकी कोई बेटी फेर रही थी ना इधर उधर, तो एक बाबा आया पीछे से, उसका हाथ पकड़ के उसको यूं डिफरेंट जगह पे लेके जा रहा है। यहाँ पे बच्चों को नहीं छोड़ते भाई, ले आओ। वैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी ब्लॉग करते करते पीछे छोड़ाया था। खैर हमने देख लिया यार यहाँ पे जो देखना था। ओए जूते चेक करो, लेकिन ओए होए होए टिम्स ऐसे लिए थे इसके, वैसे हमने ऐसे जूते लिए थे ये वाले। हाँ कैप्स देख लो, ये वाला उठा लो ना पैर सारा, देख लो की आवाजें आ रही हैं। ओए 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 फ्लफी फ्लफी गर्ल, फ्लफी फ्लफी ओए 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 ओए। और क्या देखना है, अब हमारी शॉपिंग देखो यही होती है, पहले आते थे हम यार टारगेट जा रहे हैं ना कोई अपना ग्रोसरी सामान लेने, अब आ रहे हैं हम डायपर की रैश क्रीम बच्चे की चूसनी, बट इट्स स्टिल ब्यूटीफुल। आई मीन तुम देखो हम जब से साथ आ रहे हैं कभी भी शॉपिंग करने, हम बच्चों के आयल में कभी जाते ही नहीं थे, तो अब हमारे लिए वो नई डोर खुल गई है। अब देखो ना खिलौने का आयल आ गई है सारी, तो कल को अभी खिलौने मांगेगा, तो खिलौने की हमें इस आयल पे भी घूमना पड़ेगा, इसके लिए चीजें लेनी पड़ेंगी। ब्लैक एंड व्हाइट क्या कंट्रास्ट, अबे नहीं इतना क्या उसको समझ ही नहीं अभी, टेंशन ना लो उस पर, बड़े पैसे लगने हमारे अभी आगे। क्या हुआ ऐसे निकाल लो भाई बस। बॉयज एंड गर्ल्स अभी ये रो रहा है, इसको जरा संभालना, मैंने आपसे फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। द नेक्स्ट डे बॉयज एंड गर्ल्स दिस इज द नेक्स्ट डे, टारगेट से हम फारिग हो गए थे, और जब घर पे आए तो हमने देखा कि मेरा वन ऑफ द फैन व्यूअर लॉन्ग टाइम अब्दुल्ला मलिक उस लड़के का नाम, उसने मुझे ये भेजा पैकेज आइजन के लिए, उसने कहा था मैंने गिफ्ट भेजना है, तो ये आइजन के लिए कुछ है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, कुछ स्विंग या झूला लग रहा है, लेकिन इसको खोल के चेक करते हैं। ओए होए होए इतना सामान,
ये बॉयजिंग चेक करो, उसके ऊपर एक खिलौने वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। ये इसका है कवर है, ये बेसिकली बाउंसर लग रहा है मुझे। ये उसकी मोटर आई थिंक, राइट। तो बेसिकली वो वाला झूला नहीं होता जो जिसमें बेबी को रखते हैं तो फिर वो खुद ही लाता रहता है इसको। तो बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये है कि हमने फाइनली खिलौना इसका जोड़ लिया है। अब हमारे पास मजे की बात है, पहले भी ऐसा एक खिलौना था, इफ यू कैन सी, ये इस तरह का है जो हमारे पास पहला था, और ये वाला भी हम चला के देख रहे हैं, लेकिन ये वाला आई थिंक ज्यादा बेहतर है। ये ज्यादा स्मूथ भी मुझे लग रहा है हिलता हुआ, और उसके मतलब इंटरफेस भी बड़ा अच्छा है। तो उसमें गाने वाने चलते हैं, बच्चे को ना यूं झूला वूला देता रहता है, तो उस पे जो है ना आइस दिन फिर यू नो पार्टी करेगा फुल टाइम। इट्स ऑन यू, आई थिंक ही लाइक्स इट। बॉयज एंड गर्ल्स सो फार इट इज सक्सेस, एंजॉय कर रहा है हमारा जो बेबी है, इसके अंदर चिल मार रहा है फुल टाइम, उबासियां भी ले रहा है। और खुशखबरी है, और वो ये है कि जो मेरी शर्ट थी ना, जिसको मैंने आपको बताया था मैंने बनने दी भी थी, फिर मैंने आपको सैंपल्स भी दिखाएंगे किस तरह के होंगे। तो एक मैन्युफैक्चरर से जहाँ पे मैंने सैंपल्स बनने दिए हुए थे उसका मुझे ऑर्डर आ गया है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट एंड सी व्हाट इट एक्चुअली लुक्स लाइक। मैं आपको बारी बारी पहन के दिखाता हूँ, देखते हैं कि यू नो कैसी लग रही है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। देखते हैं कि प्रिंट इनका कैसा है, जो मैंने एम्ब्रॉयडरी जिस तरह की मैं चाह था उस तरह की है कि नहीं। तो लेट्स फाइंड आउट। ओके ओके, सबसे पहले हम ट्राई करते हैं जो मैं इसके लिए सबसे ज्यादा वेट कर रहा था। ये जोरो की थी फ्रॉम वन पीस, ये आगे आप देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी हुई भी इसके। फील आ रही है ना कपड़े की, सो फार मुझे बहुत पसंद आई है। और पीछे से एज यू कैन सी दिस इज व्हाट द प्रिंटिंग लुक्स लाइक। बॉयज एंड गर्ल्स एज यू कैन सी, जरा चेक करो ये आगे से कितनी फिट लग रही है। आई लव द फिटिंग ऑफ द शर्ट, मेरे शोल्डर्स को नाइसली हग करी है। पहले मैं ओवरसाइज ज्यादा टी शर्ट की तरफ जा रहा था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा कि ये वाली जो होना एक दफा इनको फिट वाले उसमें भी देख लें, और एक दफा ओवरसाइज लुक में भी देख लें। तो जो मेरे मैन्युफैक्चरर्स है ना, मैंने उनको डिफरेंट डिफरेंट शर्ट्स का वो दिया था। तो एज यू कैन सी ये देखो, यहाँ तक बिल्कुल बहुत नीचे भी नहीं जा रही और बिल्कुल बहुत ऊपर भी नहीं जा रही, परफेक्ट लेंथ पे आ रही है। शोल्डर से देखो कैसे मुझे अच्छी तरह हग कर रही है। थोड़ा सा एक इशू है ना, वो है एम्ब्रॉयडरी लोगों से, ये थोड़ा सा होना चाहिए यहाँ पे छोटा, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि देखो स्टिचिंग हल्की सी खिंच रही है। तो उसको हम ओके करा लेंगे, लेकिन द बेस्ट पार्ट यू हैवंट सीन। डाउन, और अगर बंदियां शर्ट खरीदते तो सारे शहर के लॉन्डे डाउन। वैसे भी अगर लड़कियां ऐसी कोई चीज लेती ना तो लड़के आप पे वैसे फायदा हो जाएंगे। जुजुत्सु काइजन, आई मीन हु डजंट लाइक अ गुड टोजी शर्ट। नाउ थ्री लेफ्ट, लेट्स ट्राई द अदर थ्री एंड सी व्हाट इज इट अबाउट। थर्ड शर्ट इज द लूफी वन, इट लुक्स रियली रियली गुड, इट लुक्स रियली प्रीटी, बट आई हैव टू प्रॉब्लम्स विद इट। ये बहुत ज्यादा ऑरेंज है, दिस वाज नॉट सपोज्ड टू बी ऑरेंज, ये थोड़ी येलोइश थी मस्टर्ड। और जो लूफी है ना ये लोगो, ये बहुत बड़ा है, इट शुड बी स्मॉलर। एज यू कैन सी दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। ये थोड़ी सी शर्ट में पर टाइट होगी, मैं थोड़ा साइज बड़ा करवाना चाहिए। आई डोंट वांट टू बी रेसिस्ट, बट लूफी काइंड ऑफ लुक्स ब्लैक। और पीछे वाला जो है आई लाइक दैट, इसका हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे और भी लोगों से बात करके। आप लोग अपना फीडबैक नीचे दे सकते हो। तो दिस इज व्हाट द शर्ट लुक्स लाइक। इफ यू एग्री दैट द लूफी लुक्स टू बिग, देन यू कैन लेट मी नो, वी कैन लाइक यू नो साइज इट डाउन। बाकी अब हम दूसरे की तरफ जाते हैं। ये थी डेमन स्लेयर वाली, जो यू नो आई ऑल्सो वॉज लाइक अ बिग एडवोकेट फॉर, लेकिन इसका मसला ये मुझे नजर आया कि बहुत बड़ा लोगो है, ठीक है। तो इसलिए चीजें ना आपको रिव्यू करनी पड़ती है। ऑल्दो आई वुड से वन थिंग अबाउट ऑल दी शर्ट्स, फिटिंग लव फिटिंग है, ये ना बहुत बड़ा लोगो, इट शुड बी स्मॉल। पीछे से इज जस्ट माय लोगो, माय ब्रांड लोगो राइट देयर, सो नथिंग टू स्पेशल। लास्ट शर्ट पे अटैक ऑन टाइटन वाली। बॉयज एंड गर्ल्स द बेस्ट शर्ट सो फार द ब्लैक वन, ये मेरी फेवरेट है, ये तो विनर है। ये चेक करो जरा, ओए 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 ओए, एंड दिस इज नॉट इवन द बेस्ट पार्ट। अभी मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, ये आगे से चेक करो जरा शर्ट को, स्वैग अनलिमिटेड। अगर आप पीछे से इस शर्ट को देखो तो ये पीछे से लगती है, स्वैग चेक करो। ये सबसे मैं कहता हूँ सेक्सी शर्ट है सारों में। यहाँ पे आगे एम्ब्रॉयडरी हुई है, और पीछे से आप लोग चेक कर सकते हो विंग्स ऑफ फ्रीडम बना हुआ है अटैक ऑन टाइटन का लोगो। अब इस पे मैं अपना एक फाइनल रिव्यू देता हूँ, अंदर हम जाके बात करते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स इफ यू हैव बीन वॉचिंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप लोगों को पता है मैं आप लोगों को वो चीज कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा जो चीज मैं खुद ना पहनना पसंद करूँ। आई एम वेरी मेटिकुलस व्हेन इट कम्स टू दीस थिंग्स, ठीक है। अब कोई नॉर्मल बंदा होता ना वो ये वाली शर्ट्स को देखता है, इनकी फिटिंग, इनका कपड़ा, थोड़ी सी तारीफें मिल जाती ना, वो इनको सेलिंग पे लगा देता। लेकिन अभी भी
मैंने दो और मैन्युफैक्चरर से यही वाले डिजाइन बनवाए हैं, लेकिन जो अगले वाले हैं वो दोनों आई थिंक मैंने मैन्युफैक्चरर से ओवर साइज में बनवाए और वो थोड़े क्रॉप फिट में होंगे। ओवर साइज होगा हैंगिंग शोल्डर वाला, लेकिन क्रॉप फिट होगा उसका थोड़ा सा डाउन। लेट्स से अगर मुझे ओवर साइज शर्ट भी पसंद आई और अगर मुझे ये वाला भी पसंद आया तो शायद मैं दोनों आइटम्स को रख लूँ फॉर यू गाइस टू बाय, लेकिन इट्स गोना बी अ वेरी हार्ड डिसीजन क्योंकि इन शर्ट्स की मुझे फिटिंग बहुत ज्यादा पसंद आई है। तो आई विल सी कि मैं कौन से पीस या कौन से डिजाइन और स्टाइल के साथ कंटिन्यू करना आगे चाहूंगा, लेकिन वो करने से पहले मुझे आप लोगों का फीडबैक बहुत जरूरी चाहिए एंड कॉमेंट्स में आप लोग मुझे बताएं, चाहे आप लोग कभी कॉमेंट्स करते भी नहीं है ना, इफ यू लाइक व्हाट यू सॉ प्लीज लेट मी नो, इफ यू थिंक दैट देयर आर सम चेंजेस नीड टू बी मेड प्लीज ऑल्सो लेट मी नो, ताकि मैं फीडबैक भी देखूं और मुझे पता चले। ऑल्सो मैंने जो गूगल फॉर्म लगाया था शर्ट्स का वो अभी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है, तो जो जो इंटरेस्टेड बायर्स हैं वो फॉर्म पे भर दें अपना साइज और ईमेल डाल के, ताकि जब ये फाइनल ऑर्डर रेडी हो जाए आई कैन सेंड यू द ईमेल दैट हे यू वांटेड टू बाय अ शर्ट फ्रॉम मी और इसका ऑर्डर रेडी हो गया है, तो आपको अगर प्री ऑर्डर करना है तो दिस इज द लिंक और मैं उस ईमेल के साथ आपको लिंक भेज दूंगा, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा आप लोगों को अप्रोच करना यू नो खरीदारी के लिए। नाउ बिफोर आई गो बॉयज एंड गर्ल्स, एक और चीज, बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि एनिमे वाली जो शर्ट्स है ना आप सिर्फ वो ना करें, जिन लोगों को एनिमे या कार्टून नहीं पसंद ना वो कभी बाय नहीं करेंगे, तो ये वाली शर्ट्स मेरा पहला प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं हुडीज भी निकाल लूंगा, वो एनिमे वाली नहीं होंगी, वो हुडीज होंगी सिंपल मेरे लोगों के साथ होंगी एंड देयर गोना बी रियली गुड विंटेज हुडीज जो आजकल के फैशन में जा रही क्रॉप फिट स्टाइल में ना। ट्राउजर भी मैंने कुछ नजरों में रखे हुए हैं या बटन अप शर्ट्स, उन पे भी मैं आगे जाऊंगा, बट दैट डिपेंड्स कि मेरा ये वाला काम कितना अच्छा जाता है, यू नो। सो आई मीन इट्स अ न्यू वेंचर फॉर मी, मेरी पुरजोर कोशिश है कि जो चीज अच्छी लगे वही मैं आप लोगों को डिलीवर करूँ। तो एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। अब जो अगला व्लॉग होगा ना वो होगा, हम बकरे लेने जाएंगे मामू के साथ, इनफैक्ट कल ही जाना है मैंने, तो वो बकरे लेंगे, उनकी कुर्बानी शुरबानी करेंगे और फिर सारी हमने डेकोरेशन करनी है कीके की, अकीका परसों, उसका एक अलग व्लॉग होगा, इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आप लोगों ने। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।